गुज़िश्ता चंद हफ्तों से इंडिया को मुल्क के सबसे हौलनाक कत्ल के केस ने जकड़ रखा है। इंडिया के दारुल हुकूमत दिल्ली को पुलिस ने एक नौजवान आफताब पूनावाला को इस कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है। इन पर अपने साथ 3 साल तक बिना शादी के रहने वाली दो शुरदा वालकर को बेदर्दी से कत्ल करने के इल्ज़ाम हैं। पुलिस ने आफताब पूनावाला पर इल्ज़ाम आयद किए हैं कि इन्होंने मई में अपनी 27 साल दोस्त शुरदा को कत्ल किया और इनके जिस्म के दर्जनों टुकड़े करके इन्हें अपने ही घर के फ्रिज में रख दिया और गुज़िश्ता महीनों के दौरान शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में टुकड़ों को ठिकाने लगाने के लिए घूमते रहे। आफताब पूनावाला पुलिस हिरासत में है और उन्होंने अभी तक अवामी सतह पर कोई बयान नहीं दिया है, मगर मंगल को उन्होंने अदालत को बताया कि इनसे मंसूब जो मालूम फैलाई जा रही हैं वो दुरुस्त नहीं हैं और ये कि वो पुलिस से तफ्तीश में मुकम्मल ताउन कर रहे हैं। शुरदा वाकर की मौत की खबर इस वक्त मंजर आम पर आई जब गुज़िश्ता माह इनके वालिद ने इनकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई थी। इसके बाद से इनके मुबीना कत्ल को हौलनाक तफ़सीलात इंडिया में रोज़ाना की बुनियाद पर अखबारों की सुर्खियां बन रही हैं और नामालूम पुलिस एहलकारों की जानिब से मकामी साफियों को गैर तस्दीक शुदा मालूम फराहम की जा रही हैं। कत्ल के इस वाक़े को फ्रिज मर्डर का नाम दिया गया है और इस कत्ल के मुतालिक मालूमात के हवाले से आवाम की बहुत दिलचस्पी रही है और मुख्तलिफ न्यूज़ वेबसाइट इसकी तफ्तीश के हवाले से लाइव पेजेस भी चला रहे हैं जहां पल पल की खबर दी जा रही है, जबकि दूसरी जानिब मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इस कत्ल के वाक़े पर आवाम में गम गुस्सा भी पाया गया है और मुजाहरीन ने पूनावाला के पुतले नजर आतिश करते हुए इन्हें सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा किया है। वकला इंसानी हकूक के कारकुनों और साबिक पुलिस एहलकारों ने मीडिया की बेजा कवरेज पर तशवीश का इजहार किया है। रियासत उत्तर प्रदेश की पुलिस के रिटायर्ड डायरेक्टर जनरल अक्रम सिंह ने इसे इंतहाई गैर जिम्मेदाराना करार दिया है। उन्होंने BBC से बात करते हुए कहा कि इस केस की तफ्तीश से मुतालिक पल पल का तबसरा तहकीकात के लिए नुकसानदेह और मकतूल की बेइज्जती के मुतरादिफ है। इस केस की मुसलसल जारी रहने वाली कवरेज ने हकाइक और अफसाने में फ़र्क को मुश्किल बना दिया है। जोड़े की मुलाकात कैसे हुई थी से लेकर दीगर मकामों वाक़ात की तफसीलात इस केस की मुसलसल जारी रहने वाली कवरेज ने हकाइक और अफसानों में फ़र्क को मुश्किल बना दिया है। जोड़े की मुलाकात कैसे हुई थी से लेकर दीगर वाक़ात की तफसील मुहिम इसमें तसाद पाया जाता है। अगरचे शुरदा और आफ्ताब बम्बई शहर के एक ही इलाके में रहते थे, लेकिन पुलिस का कहना है कि इनकी पहली मुलाकात ऑनलाइन डेटिंग एप्स बिम्बल पर हुई, मगर अक्टूबर के अवाइल में इनकी वालिद की जानिब से गुमशुदगी की दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक उनका कहना था कि इनकी पहली मरतबा मुलाकात सन 2018 में एक कॉल सेंटर में हुई थी जहां वो दोनों काम करते थे। शुरदा का अपने ख़ानदान के साथ रिश्ता कुछ कमज़ोर हो गया था क्योंकि उन्होंने शुरदा और आफ्ताब के रिश्ते को तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। पुलिस को दर्ज कार्रवाई की गई शिकायत में इनके वालिद का कहना था कि वो अपनी बेटी को आफ्ताब पूनावाला के साथ रहने से मना करते थे क्योंकि हम हिंदू मज़हब से थे और आफ्ताब मुसलमान था और हम अपनी बरादरी और मज़हब से बाहर शादी नहीं करते, लेकिन जोड़े ने सन 2019 में एक साथ रहना शुरू कर दिया और वो रवा बरस के शुरू में दिल्ली और आ गए और चत्तरपुर पहाड़ी के इलाके में उन्होंने एक अपार्टमेंट किराए पर ले लिया। जोड़े के दोस्तों और पुलिस का कहना है कि दोनों में अक्सर झगड़ा होता था और शुदा आफ्ताब पर मारपीट का इल्ज़ाम लगाती थी। सीनियर पुलिस एहलकार अनकत चौहान ने ANI को बताया कि शुरदा ने पूनावाला पर इससे शादी करने के लिए दबाव डालना शुरू किया और 18 मई को आफ्ताब ने देश में अगर शुरदा का गला घोट कर कत्ल कर शुरदा के वालिद ने बम्बई पुलिस से इस वक्त रब्ता किया जब शुरदा के दोस्तों ने इन्हें आगाह किया कि इनकी गुज़िश्ता चंद माह से शुरदा से कोई बात नहीं हुई और इसका फ़ोन भी बंद जा रहा है। बुध को एक हाथ से लिखा हुआ नोट मंजर आम पर आया जिसके मुताबिक दिल्ली पुलिस का कहना है कि शुरदा ने यह नोट 2020 में लिखा था जिसमें उसने बम्बई पुलिस से शिकायत की थी कि आफ्ताब ने इसे मारा पीटा है और इसे जान से मारने और टुकड़े करने की धमकी दी है। बिल्कुल वैसे ही 2 साल बाद हुआ जैसे पुलिस ने आफ्ताब पर इल्ज़ाम आयद कर दिया है। तनकीद के बाद बम्बई पुलिस ने जवाब दिया कि इस केस के तहकीकात मुकम्मल हो गई हैं लेकिन शुरदा के तहरीरी बयान के बाद केस को बंद कर दिया गया।
क्योंकि ये हल हो गया है और अब इसमें मजीद कोई तनाज़ा नहीं।